इस वेल की वड्डी खबर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। दादी की सिमरजीत बैंस अते उन्हां दे पुत्र अजय प्रीत बैंस दीआं मुश्किलां वधदीआं दिखाई दे रहे ने, क्योंकि उन्हां दे खिलाफ 307 दी धारा दे तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दस दिए कि बीते दिन कांग्रेसी उम्मीदवार कमलजीत सिंह कड़वाल दे नाल उन्हां दे समर्थकां दे नाल सिमरजीत सिंह बैंस अते उन्हां दे बेटे दी आपसी झड़प हो गई सी, जिस दौरान इट्टां पत्थर चलाए गए। इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि उत्थे फायरिंग भी की गई, जिस तों बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बनिया। उस तों बाद हुण सिमरजीत सिंह बैंस अते उन्हां दे पुत्र अजय प्रीत बैंस दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सदा दी कि 2022 दी विधानसभा चोणां लैके सियासत खूब गरमाई हुई है, जिथे उन्हां दे वल्लों चोण प्रचार तेज किया जा रहा, पर उत्थे आपसी झड़प दीआं तस्वीरां भी सामने आ रही ने। कहा जा रहा है कि इस तों पहलां भी कई बार कड़वाल दे नाल उन्हां दी आपसी नोकबाजी देखण नूं मिली सी। सो एक बार फिर तुहानूं दस दईए कि इस वेले दी वड्डी खबर सिमरजीत सिंह बैंस अते उन्हां दे पुत्र अजय प्रीत बैंस दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। उन्हां दीआं मुश्किलां वधदीआं नजर आ रही ने, क्योंकि उन्हां दे खिलाफ 307 दी धारा दे तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बीते दिन कांग्रेसी उम्मीदवार दे समर्थकां दे नाल उन्हां दी झड़प होई सी, जिस दौरान उन्हां दे वल्लों इट्टां पत्थर चलाए गए, रोड़े चलाए गए अते फायरिंग भी की गई, जिस दे तहत उन्हां दे खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल हले यह दोनों फरार भी दसे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com, कानून जायदाद दा।